आपके सामने दावा बहुत लोग करते होंगे कि वो आपको झूठ से बचाते हैं, लेकिन देश को झूठ से बचाने की मुहिम में सबसे आगे और सबसे विश्वसनीय वायरल सच ही क्यों है, यह आपको एक खबर के जरिए हम समझाते हैं। वो खबर है बिहार के अररिया में उपचुनाव के मौके पर देश के खिलाफ लगे नारों की। 14 मार्च को अररिया लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए और दावा हुआ कि जीत दर्ज करने वाले सरफराज आलम के समर्थकों ने जो जुलूस निकाला उसमें भारत के खिलाफ ही नारेबाजी हुई। हमने वायरल सच में हर पहलू आपको दिखाया, बस पड़ताल अंजाम तक नहीं पहुंची बल्कि जारी रही। जो वायरल सच ने देश को बताया वही आज बिहार पुलिस के सबसे बड़े अफसर ने भी कहा है। जैसे ही लोगों के सामने खिलखिलाते चेहरों के साथ देश के खिलाफ नारेबाजी का ये वीडियो पहुंचा, नफरत बढ़ने लगी, गुस्सा बढ़ने लगा और राजनीति शुरू हो गई। दावा था कि बिहार की अररिया सीट पर आरजेडी के सरफराज आलम की जीत के जुलूस में उनके समर्थकों ने देश के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन सच कोई नहीं जानता था क्योंकि 35 सेकंड के इस वीडियो को देखकर दो धड़ों में बट गया देश। एक धड़े ने नारों की आवाज के साथ दिखाई दे रहे इन चेहरों को दोषी मान लिया तो दूसरा धड़ा नारे लगाने वाले आरोपी युवकों के पक्ष में आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि देशद्रोही नारों की बात गलत है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले 15 मार्च को वायरल सच कार्यक्रम में देश विरोधी नारों वाले वीडियो की पड़ताल की और हमने भी ये बात प्रमुखता से कही कि वीडियो सही हो सकता है लेकिन वीडियो और उसमें आ रही आवाजों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमने अपनी पड़ताल में मोहर सच और झूठ की नहीं बल्कि पड़ताल जारी रखने की लगाई। कल हमने आपको वायरल सच में पड़ताल का एक हिस्सा दिखाया था, आज देखिए देश विरोधी नारों की तहकीकात आखिर कहां तक पहुंची। हमने 16 मार्च को फिर पड़ताल की, हमारी पड़ताल जारी रही। फॉरेंसिक जांच के बाद सही साबित नहीं हो जाता तब तक हम इसकी पड़ताल जारी ही रखेंगे। 17 मार्च को दो वीडियो सामने, एक देश विरोधी नारों वाला और दूसरा जिसमें कोई नारा नहीं सुनाई दे रहा था। हालांकि वीडियो में दिख रहे चेहरे और तस्वीरें एक जैसी ही थी। और इसी के साथ बिहार के डीजीपी का एक बयान जोर शोर से देश में फैलने लगा, वो ये कि अब तो बिहार के डीजीपी ने भी कह दिया है कि वीडियो प्रथम दृष्टया सही है और लोग फिर एक बार इस नतीजे पर पहुंच गए कि वीडियो में देशद्रोही नारे लगाए गए। पर हमने पड़ताल की और इस बार भी दावे के साथ कहा कि डीजीपी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने वीडियो में आ रही आवाज और तस्वीरों के बीच रिश्ते को अब तक सही नहीं बताया। इसीलिए 17 मार्च को भी हमने हमारी पड़ताल में सच या झूठ की मोहर नहीं लगाई बल्कि पड़ताल जारी है ऐसी मोहर लगाई, क्योंकि हमारा मकसद खुद को सबसे तेज, सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ साबित करने का नहीं है। हम देश को गुमराह नहीं कर सकते, हम देश को सच बताते हैं और हम अपने वायदे पर अड़े रहे बल्कि सबूतों और तथ्यों की खोज में लगे रहे। दरअसल इस मामले में बिहार पुलिस ने उन दो युवकों की गिरफ्तारी की थी जो वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे थे, लेकिन शनिवार यानी 17 मार्च को भी वायरल सच ने यही कहा था कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वीडियो में इन्हीं लड़कों की आवाज है। खुद आरोपी भी ये बात कह रहे थे और उसी समय हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग की थी कि बिहार सरकार के मंत्री या खुद डीजीपी देश को इस भ्रम से निकालें और साफ साफ बताएं कि वीडियो में आ रही आवाज और तस्वीरों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, है तो क्या, नहीं है तो क्यों नहीं। इसके बाद बिहार के डीजीपी का एक बयान आया जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। कंक्लूड अभी नहीं हुआ, यही तो आप फिर भी आप भी नहीं सुन रहे हैं। अभी कंक्लूड कहाँ हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है, कंक्लूड कहाँ से हो गया। प्राइमा फेसी मैंने कहा कि मैंने कोई मैसेज नहीं बनाया, एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया जो आपत्तिजनक है, जो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ सकता है, तो मेरी ड्यूटी है मैं उसको आगे न बढ़ाऊं, मैं उसकी शिकायत करूं, लेकिन अगर मैं बढ़ाता हूं तो मैं दोषी हूं। इतने भर के लिए वो लड़के अभी पकड़े गए हैं, अब उनकी आवाज उसमें है कि नहीं, इसके लिए FSL की जांच हो रही है। पुलिस ने आखिर हमारी अपील सुनी और देश के सामने आकर ये साफ किया कि युवक इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है जो कि एक गुनाह है। वीडियो में
युवकों की आवाज है या नहीं, इसकी जांच अभी जारी है। इसलिए आज भी बिहार के अररिया में देश विरोधी नारों का दावा करने वाले इस वीडियो पर हम पड़ताल जारी है की ही मुहर लगाएंगे और इस खबर में तब तक जांच जारी रखेंगे जब तक कि सच देश के सामने नहीं आ जाता। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।